एडवांस नॉलेज नई नई आई है, कोई कुछ सुनाते हैं तो उन्हें सारी बातें नई लगती हैं, ढेर सारे प्रश्न करते हैं, तो बहुत से प्रश्नों का समाधान नहीं आता होगा, तो उनको डायरी में नोट करना चाहिए, है? नोट करके फिर पूछना चाहिए। ऐसे नहीं कि देह अभिमान ने आकर के कोई उल्टा सुलटा जवाब दे दिया। कहाँ के बाबा की बात हो रही है उनके दिल में? कौन पूछता है, बेसिक वाले पूछ रहे हैं या एडवांस वाले हैं? जिसने भट्टी की है, तो भट्टी जब करने गई थी तो वहाँ नहीं पूछा उन्होंने हैं? हाँ। बाबा ने तो ये बोला है बैल पर कोई 24 घंटे सवारी की जाती है क्या? लेकिन तुम हमेशा यही समझो कि शिव बाबा इसमें आते हैं, ये मुकर्रर रथ है। अगर ये बात भूल जावेंगे, ये नहीं समझेंगे कि बाबा इसमें है, तो तुम्हारी बुद्धि इधर उधर चली जाएगी, तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। क्या समझो कि बाबा सदैव ही मुकर्रर रथ में मौजूद है। क्योंकि बाबा को तो और बच्चों की सेवा करने के लिए भी आना जाना पड़ता है, कोई बच्चा समझाने वाला बुद्धू है, समझने वाला बहुत सीखा है, लेकिन समझाने वाला हिम्मत करता है, तो हिम्मत करने वाले बच्चे को बाप मदद करते हैं, उसमें प्रवेश करके दृष्टि देते हैं, वाइब्रेशन सुधारते हैं, उसकी वाचा से फोर्स भरते हैं। वो बच्चा ये समझता है कि हमने ज्ञान सुनाया, लेकिन वास्तव में बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके सारी सेवा करते हैं। बच्चे तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान आत्मा सेवा करती है दूसरों की या सतो प्रधान आत्मा सेवा करती है? हैं? सतो प्रधान आत्मा सेवा करती है, बच्चे तो इस समय तमो प्रधान है, लेकिन हिम्मत करते हैं तो बाप आकर उनको मदद देते हैं। तो बाप को तो और बच्चों में भी मदद करने के लिए जाना होता है, फिर भी जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है विदेश में जाता है, अमेरिका गया, तो अमेरिका में जाने के बाद उसका जो भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी है उससे कनेक्शन टूट जाता है क्या? हैं? कि कनेक्शन सदैव रखता है, सदैव कनेक्शन रखता है। तो ऐसे ही तुमको ये समझना है कि बाप सदैव मुकर्रर रथ में मौजूद है, तो तुम्हारा ही फायदा है। और बाबा जनवरी में हम लोग आठ नौ आत्माएं भर्ती करने गए थे कल पे, तो वहाँ हमारे हमको जानकारी नहीं थी, तो गेट से बच्ची में हम मतलब बाहर निकल गए दोपहर कंपिल की बात गेट से बाहर निकल गए या चबूतरा से नीचे आ गए? नहीं नहीं, जो गेट बना है फरुखाबाद में, आपके गेट से बाहर सड़क पे आ गए? हाँ, जो गेट बना है उसके बाहर निकल गए। अच्छा, जानकारी नहीं थी। अच्छा, फिर कितनी देर के लिए? ना कुछ, वही भाई कहा भैया अंदर आओ, बाहर नहीं जाना, तो हम तो सोचे अंदर आए। कोई खास बात थोड़ी थोड़ी देर के लिए गए ना, हैं? अनजान में देर के लिए काफी, दो चार घंटे के लिए बाहर चले जाते, हाँ, तो कोई न कोई बाहरी सोल का असर पड़ जाता है, लेकिन
भटकते भटकते बची गए हैं, बहुत सोते हैं। ओ तो कुंभकर्ण ने भटका लिया। बाबा अभी जो है एक दो महीना हो गए, दो महीना से ये स्थिति हमारी कुछ चाहे जैसा समझो, हम लोग योग में जब बैठ जाते हैं तो ज्यादा ज्ञान में तो कम, मतलब योग में ज्यादा जो है तो हम जान नहीं पाते हैं हमारे नींद में, माने आपके क्षण बंद हो गए, बहुत प्रयत्न करते हैं तब भी व्यक्ति लोग भी सुनते हैं और अपने से भी होता है, फिर भी जो है बाबा ये चाहे हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से हो या कोई रोग बस हो या मतलब कोई सोल प्रवेश कर हो, ये बाबा आप इसको नाम बताइए। तो योग में बैठना बंद कर दो, याद में बैठा करो। याद उसको किया जाता है जिससे प्यार होता है, जिससे प्यार होता है उसकी याद आती है ना, जिससे प्यार नहीं होगा उसकी याद थोड़ी आएगी। प्यार होगा, सच्चा प्यार हो तो, सच्चा प्यार होगा तो उसमें नींद ही उड़ जाती है। क्या एक घंटा बैठे रहते हैं, हाँ चलते फिरते उठते बैठते याद किया जाता है। जो हठी योगी होते हैं वो जबरदस्ती याद करते अच्छा अच्छा मतलब आठ आठ में दिखाई गई है जड़ में और शिवजी के चित्र में बाबा के साथ में मतलब चार आत्माएं हैं, चार आत्माएं हैं शिवजी के चित्र में, पुराने चित्र में, नया चित्र क्यों देखना, पुराना चित्र देखना जो बाबा के सामने का समय का बनवाया हुआ उसमें चार आत्माएं मतलब बैठे हुए, दो इधर दो उधर, एक साइड, एक साइड क्यों लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ बैठी हुई है ना, झाड़ में भी दोनों तरफ बैठी हुई है, झाड़ में तो दोनों तरफ है चार चार उधर, लेकिन सीढ़ी वाले में एक साइड मतलब चार सीढ़ी का नहीं, ऊपर की बात अलग, ऊपर की बात अलग, नीचे की बात कर रहे हैं। सीढ़ी का चित्र उठा लो, चार थोड़े ही है नीचे, ध्यान नहीं दिया तुमने, देखो हाँ चार आत्मा हाँ 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 जो नीचे मुख्य चार धर्म है वही ऊपर चार मुख्य धर्म दिखाए गए हैं। बाबा ऐसा कहना है ये जो सीढ़ी के चित्र में दो चार आत्माएं जो दिखाई गई हैं और झाड़ के चित्र में नीचे जड़ पर जो बैठी हैं वो आठ आत्मा दिखाई गई है। झाड़ में तो विधर्मियों का चित्र है तो सभी विधर्मियों की बात है, और ये जो चित्र है इसमें तो भारतवासियों का चित्र है तो भारतवासी ही दिखाई जाएंगे ना, विदेशी तो ही दिखाई जाएंगे। झाड़ के चित्र में लेफ्ट हैंड में है विदेशी और राइट हैंड में स्वदेशी, तो ये भारतवासियों का चित्र है झाड़ वो सीढ़ी, या विदेशियों का चित्र है, ये भारतवासियों का चित्र है तो आधे ही दिखाई जाएंगे ना। बाबा वैष्णो माता नौ देवी का पाठ बजाती है, कौन ऐसे नौ देवियां हैं? वैष्णो माता नौ देवियों का पार्ट बजाती है ये नहीं कह सकते, जो सरस्वती नदी है सरस्वती ओम राधे वो ही नौ कन्याओं में प्रवेश कर रही है इस समय, देवी एक ही है लेकिन जैसा उनका आधार होता है वैसा उनका पार्ट बजने लगता है, इसलिए कहा गया है नौ देवियां। और बाबा
लेकिन मतलब जो जिसकी सर्विस करेगा तो पद पाएगा हाँ। लेकिन हम माता है जो बाहर नहीं जा सकते सर्विस नहीं जाते उन्हें चुनाते हैं, लेकिन अगर कोई आत्मा पाठशाला में आती है तो उसकी सेवा करते हैं उसको तो वोट कराते हैं तो क्या हम लोग को उसका सर्विस तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो भी गीता पाठशाला में रहने वाले भांति हैं, बाबा ने तो बोल दिया तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो जो ज्ञान में चलने वाले हैं तुम तो यही समझो कि हमारे परिवार के भांति हैं। बाहर से आने वाले हैं वो तो हमारे भांति हैं, तभी तो अपने आप आए हैं, तो उनकी सेवा करना तो अच्छी बात है। जो ग्राहक बिना बुलाए आ जाए वो अच्छा कि चिरौरी करने से और बुलाने से आए वो अच्छा है? बिन मांगे मोती मिले तो मतलब दूसरी आत्मा उस आत्मा को लेके आती है हाँ? और कहती है आप बताओ हाँ? जैसे बताते हैं तो उसमें कुछ तो जितनी सेवा करेंगे उतनी मेवा मिलेगी ना। लेकिन बाबा एक आत्मा बुला के लाती है वो संदेश लेकर के आई, संदेश दिया और संदेश लेकर के लेके आई, और दूसरी आत्मा ने उसको बैठ के पकाया। जैसे आदमी कमा के लाता है और घर में घरवाली आकर के उसको पकाती है, तो उजूरा तो दोनों को मिलता है। अर्धांगिनी कही जाती है, घरवाली क्या कही जाती है? अर्धांगिनी। माने पुरुष जो कुछ कमाई करके लाता है उसमें से आधा हिस्सा किसका हो जाता है? स्त्री का हो जाता है, तो अच्छी बात है ना। बाबा एक बात और जी, अभी जैसे मुरली में अभी बताया गया कि पिछाड़ी में कहीं भी सुख नहीं होगा, तो लेकिन अभी तो दुनिया में बहुतों को सुख भासता है कहीं न कहीं, लेकिन मतलब जैसे किसी ने मुरली में कहा है कि जो अंत में याद में बैठा मैंने मतलब दुख का अनुभव ही नहीं होगा। याद में बैठने वालों की अलग बात है, वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। जो याद में है उनको इस दुनिया में कहेंगे कि अलौकिक दुनिया में चले गए, लोक में कहेंगे या आलोक में कहेंगे? वो तो अलौकिक दुनिया में चले गए, उनकी बात कहाँ। दुख किनको भासेगा? जिनकी बुद्धि इस दुनिया में धरी रही होगी। हाँ? हाँ? तो प्रैक्टिस कब से करनी चाहिए? अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। सर्दी गर्मी बरसात सहन करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी तो ये मकान है, अभी तो बड़े बढ़िया कपड़े मिल रहे हैं, कारखाने हैं, कपड़े बन रहे हैं, आगे चल के कारखाने सब बंद हो जाएंगे और जमीन हिलेगी जोर से चारों ओर, तो मकान सब टूट जाएंगे, तो सर्दी भी गिरेगी, गर्मी भी होगी और बरसात भी होगी। अकाल पड़ेगा तो ये पेड़ रूख सब सूख जाएंगे, कहीं छाया भी नहीं मिलेगी। ये बड़ा डर लगता है। कहे तो डर लगता है, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। हैं? आपको तो सिर्फ डर ही लगता है, ब्रह्मा बाबा तो विनाश का साक्षात्कार हुआ तो रोने लगे थे। हाँ बाबा, जैसे बाबा बोलते हैं मुरली में कि शांति धाम और सुख धाम को याद करो और मुझे अपने घर में याद करो, तो शांति धाम में तो अगर याद करते हैं तो विदेशी भी धर्मी लोग याद करते हैं, तो किस घर की बात करते हैं? सुख धाम शांति धाम को याद करो। बाप जिस तन में आते हैं उसमें शांति धाम नहीं है, है? और वो सुख धाम में नहीं जाएगा, तो बाप जिस घर में बैठे हैं चैतन्य घर में वो हमारा सुख धाम भी है, शांति धाम भी है, वो हमारा बाप भी है। बाप को याद करो, घर को याद करो, सुख धाम को याद करो, तीनों हो गया, त्रिमूर्ति शिव है क्या।
अष्टमूर्ति शिव है। और बाबा जब हम अमृत मिला यारी वर्ष तो गंदी गंदी सर कल 63 जन्म में गंदा गंदा काम किया कि अच्छा ही अच्छा किया है। अब वो सूट वो रिहर्सल में रील घूम रही है तो रील में अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा। जिसने ज्यादा बुरा किया होगा तो बुरा सामने आएगा, काटते चले जाओ। अब आपने मुरली में कहा कि एक परिवार से एक ज्ञान एक लोग ज्ञान में चलने लगेगा तो सारा परिवार ज्ञान में आने लगेगा। ठीक है तो अभी हम भी चलते हैं और कोई नहीं आते ज्ञान में परिवार तो अपने अंदर पक्का रखो कि बाबा ने हमको निमित्त बना दिया, अब हम आगे रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, तो इन सबको पीछे पीछे हमारे आना ही पड़ेगा। भाई लोग हमारे घर आए उनको ज्ञान सुना है कि भगवान भारत में ही आते हैं, भारत में ही हम मान ही नहीं सकते कि भगवान प्रकाश में आएंगे, हम सृष्टि में आ ही नहीं सकते भगवान, हम ले कर नहीं भारत में ही भगवान आते हैं। पृथ्वी तो बहुत बोल होती है पर डूबेगी तो सारी पृथ्वी ही डूबेगी, भारत क्यों बचेगा, कहाँ डूबेगी। आपको पता ही नहीं है कि पृथ्वी कोई गेंद थोड़े ही है जो तालाब में डूब जाएगी। पृथ्वी के चारों तरफ तीन हिस्सा जल है क्या और एक हिस्सा पृथ्वी है, तो चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा क्या, नहीं थोड़ा हिस्सा बचेगा, जो हिस्सा बचेगा वो ही जगह होगी जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। सबसे ऊंचा दुनिया का पहाड़ कौन सा है, हिमालय पहाड़। तो दुनिया में कितना भी पानी आ जाए गड्ढे गड्ढे सब भर जाएंगे और ऊंचा स्थान फिर भी बचेगा। हाँ इसे दक्षिण भारत डूबेगा तो उधर क्यों पैदा हो रहा है, तो उत्तर भारत भी डूब जाएगा। और हमारे तो योग लगाना बंद कर दो। याद में प्यार भरा होता है और योग हठ योगियों का होता है। हाँ तो याद साकार को किया जाता है, है? याद किया जाता है साकार को, साकार स्वतः ही याद आता है, लेकिन याद तब आएगा जब बुद्धि में ये बैठा होगा कि इस मुकर्रर रथ में परमात्मा बाप आया हुआ है। अगर ये बुद्धि में नहीं बैठा है तो फिर निराकार की बिंदी की याद खींच खींच करनी पड़ेगी, फिर उससे प्यार पैदा नहीं होता है। प्यार देह के साथ किया जाता है या बिंदी के साथ किया जाता है। बाबा जी तो संगठन में योग एक घंटे का लगाया जाता है, बैठ कर एक घंटा नहीं बैठ पाते तो चलते फिरते तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे को माँ याद करती है तो वहाँ बैठ के याद करती है क्या, है चक्की पीसती जाती है बच्चा याद आता रहता है, खाना बनाती जाती है बच्चे के साथ बुद्धि लगी रहती है, बच्चा बाहर खेलने चला गया तो कर्मयोगी, कर्मयोगी तो गृहस्थी होते हैं ना कि सन्यासी होते हैं, सन्यासी बैठ के याद करते हैं। ठीक है, अमृत तो जल्दी उठ जाओगे, जल्दी सो जाओगे तो जल्दी उठ जाओगे, रात में 11 बजे तक जगते रहोगे तो अमृत वेला कैसे जल्दी उठेगा। और सारा दिन याद में रहेंगे तो थकान कम होगी, थकान कम होगी तो रात में नींद कम आवेगी। बाबा 218 में जब श्री कृष्ण का जन्म होगा तो 236 तक बोला कि विनाश होगा, 236 तक तो जो श्री कृष्ण होंगे तो क्या उस समय तक काफी वाइब्रेशन जो होगा क्योंकि और कम प्रधानता बढ़ती चली जाएगी तो उस समय क्या बहुत सी काफी विनाश होगा क्योंकि हिलती डुलती नैया दिखाई गई है वहाँ पर, हिलती डुलती नाव दिखाई गई कि अंधकार था बहुत पानी बरस रही बादल गिर गिरे थे पानी बरसा था कृष्ण का जन्म हुआ तो वो संगम हुई कृष्ण की बात है या सतवी कृष्ण की बात है। संगम लेकिन सत्युग के कृष्ण की बात थोड़ी है, सत्युग के कृष्ण की कोई हिस्ट्री शास्त्रों में है नहीं। इस समय कृष्ण की आत्मा
जिस जगत माता में धरणी माता में प्रवेश करके पार्ट बजाए रही है वो धरणी हिलजुल रही है, वो पीपल का पत्ता दिखाया गया है नवैया, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु पैदा होने वाले कृष्ण की तो कोई हिस्ट्री शास्त्रों में है ही नहीं। हाँ वो तो बड़े आराम से जन्म लेगा, वहाँ तो कोई प्रकार का कंस का डर है ही नहीं। क्या बाबा उस समय कार्यक्रम खत्म हो गया? वहाँ की बात नहीं, वहाँ तो वातावरण जब अच्छा, एक सैंपल दिखाया यज्ञ के आदि में, जो आदि में हुआ सो सब अंत में होगा। तो सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में नरक में खून की नदियाँ बह रही थी, उस समय कराची में कोई ऐसा बंगला था जहाँ 300-400 बड़े आराम से पड़े हुए थे, वहाँ दुख का कोई वाइब्रेशन था, खून की नदियाँ का कोई डर था नहीं था। तो ऐसे ही इतनी बड़ी पृथ्वी है, उस पृथ्वी में कोई ऐसा स्थान सेफ हो जाएगा जहाँ प्रकृति के 5 तत्व तो कोई विघ्न पैदा नहीं कर सकेंगे। और बाबा एक मुरली में बोला हुआ है कि शंकर में शिव नहीं आता, फिर शिव शंकर को भक्ति मार्ग में मिला के एक क्यों कर दिया गया? ये बोला गया शिव शंकर अलग अलग है, शिव की आत्मा अलग है और शंकर की आत्मा अलग है, बाकी ये नहीं बोला गया कि शिव शंकर है। शिव जो है वो शंकर में आते हैं, सीधे सीधे अगर बोल दें तो सबकी समझ में आ जाएगा, इसलिए सीधे सीधे मुरली में नहीं बोला है। क्या बोला है? शिव अलग है और शंकर अलग है, और भक्ति मार्ग में दोनों को मिला के एक कर दिया गया है। तो भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं वो अंत समय की यादगार हैं या बीच की आदि की? अंत समय की यादगार है। अंतिम स्टेज में जाकर के बाप शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कोई आत्मा को आप समान बनाकर चले जाते हैं, उस आत्मा के लिए बोला है शिव समान, बाप समान। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो परम धाम में रहने वाला शिव या साकार सृष्टि में कोई साकार शिव बाबा है जो सदा कायम है इस सृष्टि पर? किसकी बात है? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है, तो कौन से शिव की बात है? ज्योतिबिंदु शिव की बात है या साकार और निराकार की स्टेज के मेल की बात है? जो आत्मा निराकारी स्टेज में अपने को टिकाए लेती है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज धारण कर लेती है पहले नंबर में, उसकी यादगार बन जाती है शिव की, वो सदैव इस सृष्टि पर कायम है। इसलिए कहते हैं शंकर कभी मरता भी नहीं, शंकर कभी जन्म भी नहीं लेता। तो जैसे शंकर को मतलब अलग बताते हैं, अलग माने आत्मा अलग अलग, शिव की आत्मा अलग वो परम धाम की रहने वाली और शंकर की आत्मा अलग। और भक्ति मार्ग में मिला, भक्ति मार्ग में और किसी देवता को नहीं शंकर शिव के साथ मिलाया है, किसको मिलाया है? शंकर को शिव के साथ मिलाया है। तो कुछ पुरुषार्थ किया होगा ना, जितने भी देवताएं हैं उन देवताओं के बीच में सबसे जास्ती याद में बैठा हुआ किसको दिखाते हैं? शंकर को दिखाते हैं। तो जो जास्ती याद करेगा तो लवलीन हो जाएगा कि नहीं? कभी तो लवलीन हो जाता है, वो लीन होना ही आत्मा सो परमात्मा कह दी है। ऐसे थोड़े कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाता है। विष्णु और नारायण भी अलग अलग है कि एक ही कहा गया? चारों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, राम कृष्ण और उनकी सहयोगी शक्तियाँ, इन चारों के संस्कार मिलकर के एक होना
माना विष्णु चतुर्भुज। और किशोर अवस्था किशोर कुमार नहीं कहलाते हैं किशोर युगल कहलाते हैं वो युगल हैं वो कन्या और कुमार हैं वो अदर कुमार हैं उनको कुमारी नहीं कहेंगे कुमारी जीवन माना है श्रेष्ठ जीवन कहते हैं कि जो भक्ति कर आए हैं वो जिंदी इंदी कुछ न लगा जो भक्ति कर आए हैं उनकी बुद्धि में बैठ गया है मैं आत्मा बिंदी तो इतनी याद में रहो कि देखने वाला कहे कि अरे इनकी तो आत्मा दिखाई पड़ रही है जैसे क्राइस्ट के चित्र देखा है गुरु नानक का चित्र देखा है महात्मा बुद्ध का चित्र देखा है तो चेहरा देखने से ही पता चलता है इनकी आत्मा दिखाई पड़ रही है ये आत्मा रूप में बैठे हुए हैं तो ऐसे ही जब आपकी आत्मा लोगों को दिखाई पड़ेगी याद में तो फिर ये बिंदी लगाने की आर्टिफिशियल बिंदी लगाने की दरकार रहेगी हैं नहीं ऐसी अवस्था बनानी है कोई बाद में बनाएंगे और कोई कोई पहले ही बना लेंगे बिंदी सौभाग्य की निशानी होती है ना हैं तो जिन्होंने पहले ही बिंदी लगा ली होगी और दुनिया देखने में आए कि हाँ ये तो आत्मा दिखाई पड़ रही है उनको देखने से ही उनकी आत्मा की स्थिति बन जाए तो जो पहले ही आत्मा की स्थिति की बिंदी लगा लेंगे वो ज्यादा सौभाग्यशाली बनेंगे या जिनकी आत्मा की बिंदी बाद में दिखाई पड़ेगी लोगों को वो ज्यादा सौभाग्यशाली होंगे हैं जो पहले वाले होंगे वो ज्यादा सौभाग्यशाली बन जाएंगे उनको बाबा कहते हैं पद्मा पद्म भाग्यशाली बाबा जैसे बोलते हैं कि भक्ति का अगर एक भी संस्कार रह जाएगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा अंत समय में भक्ति का संस्कार माना ये जो श्रृंगार होता है कोई ढेर सारे संस्कार सबसे मुख्य भक्ति का संस्कार जो कहना सो करना नहीं भक्ति मार्ग में कहते बहुत कुछ है और करते करते कुछ भी नहीं तो वो भी तो भक्ति संस्कार है ये 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 सूक्ष्म बात है और ये तो स्थूल बातें हैं भक्ति की तो बहुत वो है कहते हैं उड़िया ना डालो शरीर से लीपो ना ये ना करो वो ना ये भक्ति है कि तो हाँ हाँ तो जिस चीज से फायदा होता है वो काम करना चाहिए जिससे कोई फायदा ही नहीं वो काम करने से वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एनर्जी है कि नहीं फालतू एनर्जी क्यों खर्च करना चाहिए पार्वती को हाँ बुद्धि से पार्वती जो है वो शिव के साथ रही होगी शिव के साथ रही होगी बुद्धि से रही होगी कोई सरेंडर हो जाते हैं देह से तो साथ दिखाई पड़ते हैं लेकिन उनकी बुद्धि अपने घर परिवार में धरी रहती है तो वो साथ हुए या दूर हुए हैं वो तो दूर हो गए वो थोड़ा ही शंकर पार्वती साथ हुए हाँ अब कहते हैं कि लास्ट में मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा तो ये बाबा कब की बात है मतलब तुम्हारा परीक्षा परीक्षा कब होगी लास्ट में होगी तो लास्ट में जब माया विकराल रूप धारण करेगी और परीक्षा लेगी तो जब परीक्षा लेगी तो चारों तरफ की जो माहौल के व्यक्ति हैं दुनिया के वो विरोधी हो जाएंगे या अवरोधी रहेंगे वो सब मिलके परीक्षा लेंगे अंतिम फाइनल पेपर में सरकार भी विरोधी हो जाएगी समाज के लोग भी जबरदस्त विरोधी हो जाएंगे जो गांव परिवार के लोग हैं संबंधी हैं वो भी विरोधी हो जाएंगे चारों तरफ से प्रकृति भी विकराल रूप धारण करेगी
अभी अभी ढेर बरसात, अभी अभी खूब सूखा, ऐसा ऐसा, अभी अभी भूकंप, तो प्रकृति भी विकराल रूप धारण करेगी और विकारों की मार अंदर से भी होना शुरू हो जाएगी। अभी मन बुद्धि के अंदर, शरीर के अंदर विकारी वृत्तियां तंग करती है ना, उस समय और ज्यादा तेजी से तंग करेंगी। अभी तो दुनिया में जो अन्न खा रहे हैं उसमें थोड़ी खाद मिला रहे हैं, धीरे धीरे खाद का मात्रा बढ़ता जा रहा है। जैसे दवाइयां है ना, तो दवाइयां पहले बहुत खाते थे तब असर करती थी, अभी ऐसी ऐसी दवाइयां बनाई हैं तो छोटी गोली लेकिन असर बहुत करती है, तो ऐसे ही हो खाद का इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो खाद का भोजन हमें मिलेगा तो बुद्धि खराब करेगा, विकार बढ़ेंगे या घटेंगे, विकार और बढ़ते चले जाएंगे, तो चारों तरफ से आक्रमण होगा, तो छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे कि नहीं। बाप और बाप के जो पहले नंबर के बच्चे होंगे, आठ नंबर में आने वाले, उनका संगठन पहले तैयार होगा या बाद वाली मालाओं का संगठन पहले तैयार होगा? आठ का संगठन पहले तैयार हो जाएगा, तो जो संगठन ईश्वरीय संगठन पहले तैयार होगा वो ज्यादा सुख शांति में होगा दुनिया के अंदर, कि और आत्माएं ज्यादा सुख शांति में होंगी? है पहले वाली सुख शांति का संगठन बन जाएगा, वो दुनिया में खुशबू फैलाएगा, अल्लाह का गार्डन, संसार में दूसरे धर्म वाले भी अनुभव करेंगे, तो आत्माएं कहाँ जाना चाहेंगी? जिनको परिचय मिला होगा वो ही जाना चाहेंगे या जिनको परिचय नहीं होगा वो जाना चाहेंगे? वो ही जाना चाहेंगे। तो वो मधुवनवासी जो वहां माउंट आबू में भी रहे पड़े हैं, उनकी तो पोल पट्टी खुल जाएगी, उनके लिए बोला ताला भी नहीं लगाने देंगे, न ज्ञान सरोवर में ताला लगाने देंगे, न मधुबन में ताला लगाने देंगे। जैसे वारंट निकलता है ना, तो वारंट निकलता है तो कोई आदमी सोचता हम ये चीज यहाँ छुपा दे, यहाँ छुपा दे, यहाँ ताला लगा दे, वहां ताला लगा दे, अंडरग्राउंड में डाल दे, तो सर पर पांव रख करके भागता है कि अभी पुलिस आई आई कि पकड़े गए, तो वो तो भागेंगे। गीता पाठशाला वाले क्या आगे आगे पीछे माहौल नहीं है? ये ब्रह्मा कुमारियां जो है वो ग्लानी की हवा ज्यादा फैलाती है कि तुम्हारा गायन ईश्वरीय ज्ञान सुनाएंगी, वो ग्लानी फैलाएंगी, तो ग्लानी फैलाएंगी तो संसार में ग्लानी फैलेगी। इनका गुरु जी है वो, ये देखो कलंकी धर है, इसके ऊपर ये कलंक लग रहे हैं, अखबारों में कलंक लग रहे हैं, रेडियो में कलंक लग रहे हैं, टीवी में कलंक लग रहे हैं, तो चारों तरफ कलंक की बौछार होगी तो तुमको रहने देंगे? तो क्या करेंगे, तो घर नहीं छोड़ेंगे? हाँ हाँ, तो नैया पार जाएगी इस दुख के धाम से, क्रास हो करके सुखधाम शांति धाम में नैया पहुंचेगी, शांति धाम वहां होगा जहाँ शांति देवा बाप बैठा होगा, सुखधाम वहां होगा जहाँ विजय माला की हेड बैठी होगी। क्या है, बोल बोल। हम लोग को निश्चय है कि जो हमारे गुरु हैं उनको ऐसे कलंक लगाए जा रहे हैं, तो वो झूठे हैं सर? हाँ, कलंक लगाने वाले झूठे हैं, कलंक लगाने वाले झूठे हैं। और तो बीके लोग हैं, उन्हें वो भी अपने बात भी निश्चय है कि हम वहाँ नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। बीके वालों को, बीके वालों को भी तो अपनी बात अड़ी रहेंगी, वो अपनी बात से अंदर तक। तो झूठे कौन है? दो में से एक तो झूठा होगा, एक सच्चा होगा। दोनों में से बी के और पी बी के, दोनों में से सच्चा कौन होगा, झूठा कौन होगा? जो सच्चा होगा वो अड़ा रहेगा और जो झूठा होगा वो हिल जाएगा। कहते सच्चे सर के ऊपर चढ़ करके बोलता है, सच्चाई हिलती नहीं है, सच्चाई आखिरी
सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। बाबा जी संकल्प बहुत जल्दी आए निकालोगी तो फिर पाप तो बन जाता होगा। तो ज्यादा देर ठहराए रखेंगे तो पाप बनेगा। संकल्प आया किसी ने एक सेकंड में भगा दिया, कोई विकार का संकल्प आया और कोई ने उसको थाम के रखा, भगाया नहीं और कोई ने तुरंत भगाया, तो ज्यादा खतरा किसको होगा पैदा? जो थमा के रखेगा उसको खतरा पैदा हो सकता है। बाबा जैसे किसी को ज्ञान सुनाओ तो वो ज्यादा सवाल जवाब करने लगते हैं, तो बुद्धि भटक जाती, कुछ आता ही नहीं है तो क्या करने से वो बहुत उलझा देते हैं। तो उनसे बताओ कि अभी हम तो नए नए ज्ञान में आए हैं, छोटे बन जाओ, हम तो नए नए ज्ञान में आए अभी छोटे बच्चे हैं, हमारी जो बड़ी बहनें बड़े भाई हैं हम उनसे पूछ के बताएंगे, नहीं तो बाबा हमारे पास आते हैं उनसे पूछ के बताएंगे। सवाल पूछने लगते हैं कि बिल्कुल आवाज ही बंद हो जाती है, बिल्कुल क्या जवाब दे, तो बाबा उनसे ये कह दिया गया कि आप हमारे पाठशाला चलिए तो वहाँ पर सुना। हाँ पाठशाला में ले आओ बाबा जी। से बोलते हैं कि आज ही आज में जो बच्चे थे राम बाप के साथ यज्ञ थे, जब विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई तो राम बाप जब छोड़ के गए तो बच्चे भी साथ में फॉलोअर्स चले गए, तो बाबा जैसे हम लोग जैसे हमारी पैदाइश 71 है तो इतने बीच में मतलब हमको ज्ञान क्यों नहीं मिला 71 से लेकर के अभी क्यों ज्ञान मिला? अगर हम बाप के साथ थे तो बीच में 71, 73, 76 में जिनको ज्ञान मिला था और सीढ़ी के चित्र में जिनको ज्ञान मिला था वो आज विरोधी बने हुए हैं, उस स्टेज में चले जाते तो इस लास्ट में आने वाले अगर फास्ट चले जाएं और विरोधी भी न बने वो ज्यादा अच्छे, या पुराने पुराने बने रहें और उत्तम प्रधान बन जाएं वो ज्यादा अच्छे हैं? लेकिन बाबा सदयुग को चार अवस्थाओं के सारे लोग क्या तमो प्रधान होंगे? चार अवस्थाओं से जब पार होगा आखिरी सारी दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है, लेकिन कोई आत्मा ऐसी होती है कि गिरने की स्टेज में धीरे 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 नीचे गिरती है, और कोई आत्मा ऐसी होती है द्वापर के आदि से ही एकदम पतित अवस्था में आ गई, और उनमें इब्राहिम जैसी आत्माओं ने प्रवेश कर लिया, उनमें बार बार ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश करती है, और जो अंत तक धीरे 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 नीचे उतरते हैं उनमें भगवान आकर के खुद प्रवेश करता है। तो कौन से श्रेष्ठ हुए? जो धीरे धीरे नीचे उतरते हैं वो श्रेष्ठ हुए। बाबा त्रिमूर्ति के चित्र में बताते हैं कि ये एक्यूरेट चित्र नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को जो है एक्यूरेट चित्र निकालना चाहिए, तो अगर एक्यूरेट चित्र निकालते हैं तो बीच में जो वैष्णवी माता है उसका भी साकार में चित्र हमारे पास नहीं है, और जो माता जगदम्बा है जिसमें ज्ञान चंद्रमा की प्रवेशता होती है, जगदम्बा का पाठ बजाती है, तो वो उसका चित्र भी हमको चाहिए, तो हम त्रिमूर्ति के चित्र में एक्यूरेट करके बच्चों के सामने उसको चाहिए। चाहिए करने से हो जाएगा? ये इस दुनिया में मौजूद है, ये लोग मौजूद, तो जो दुनिया में मौजूद है नापैद तो नहीं है, तो पुरुषार्थ करने वाला हो पुरुषार्थ करके खोज नहीं निकालेगा है? है? और सहज हो तो सभी कर ले, फिर चित्र छपाने से प्रत्यक्षता हो जाएगी या अपने चेहरे से प्रत्यक्षता होगी है? अपने चेहरे से चलन से प्रत्यक्षता होगी, ऐसे थोड़ी कि हमने चित्र छपा के डाल दिया और जब कोई हमसे समझने आया तो हम कुछ भी नहीं समझा सके उसे। और तेसर जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए कि नहीं? अभी शूटिंग पीरियड चल रहा है, रिहर्सल चल रही है, तो रिहर्सल में अच्छी बात भी रील में घूमेगी और बुरी बात भी रील में घूमेगी, अब तो प्रत्यक्षता हो रही है ना 84 जन्मों की,
एक्टर को अपनी एक्ट का पता चल रहा है ना कि हमने क्या एक्ट किया है, तो ये सब होना चाहिए ना। वही बात, अच्छे कर्म उदय होते हैं तो खुशी ज्यादा रहती है, न चाहते हुए पुरुषार्थ अच्छा होता है, और जब बुरे कर्मों की रील उदय होती है तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो भी अवस्था खराब की खराब ही बनी रहती है। इसलिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हैं हमारे पैगंबर आसम का जन्म होगा तब दुनिया होगा, तो ये जन्म होगा उनके पैगंबर, जन्म नहीं होगा, जन्म तो उनका होता ही चला आया है, कहीं न कहीं जन्म लेते ही रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है, वो तो समझते हैं कि कब्र दाखिल हो जाती है, लेकिन जहाँ कहीं भी जन्म लिए हुए होंगे वो आत्माओं को ज्ञान मिल जाएगा, ईश्वरीय ईश्वरीय ज्ञान मिलने से वो ताकतवर आत्मा है, इसलिए जल्दी खींचेंगे, पावर खींच लेंगे ईश्वर से। जैसे कोई बैटरीज होती है ना, तो बैटरीज में कोई पावरफुल बैटरी होती है, कोई कमजोर बैटरी छोटी बैटरी होती है, तो जो बड़ी बैटरी होगी वो ज्यादा खींचेगी, ये छोटी बैटरी ज्यादा खींचेगी, बड़ी बैटरी जल्दी खींच लेगी। तो ऐसे ही वो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट कहीं ना कहीं इस दुनिया में हैं, और जब उनको ईश्वरीय ज्ञान मिलेगा तो खटाक से कनेक्शन जोड़ेंगे। तो तो जिनको ज्ञान मिला था वो बीज रूप आत्माएं थी, जड़ों में बैठी वाली आत्माएं थी, या ऊपर से उतरने वाले इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट थे, कौन थे वो? बीज रूप आत्माएं थी, तो बीज रूप आत्माएं अलग, जड़ों से बैठी हुई आत्माएं अलग, वो तो यज्ञ की आत्माएं हो गई, लेकिन जो ऊपर से आती है डायरेक्ट द्वापर युग में सत्य पुत्रिता में आती ही नहीं है, तो ज्यादा पावर होना द्वापर युग में ज्यादा पावर है, वो देवताओं को भी दबोच लेती है। भगवान अगर ना आवे तो उनसे ये देवता ही आत्माएं कभी जीत ही नहीं सकती, भगवान की ताकत मिलती है कमजोर आत्माओं को, इसलिए पावरफुल हो जाती है और उनकी जीत हो जाती है। कहते हैं कि संकरण ज्यादा असर मतलब डालता है, तो जैसे सतयुग में और त्रेता में तो मतलब देवी देवता वाली आत्माएं होती है, तो और ये द्वापर से मतलब जो आती है आत्माएं तो मतलब कुछ आत्माएं होती है ज्यादा नहीं होती, कुछ क्यों आती है द्वापर युग से? ढेर के ढेर उतरती है, कुछ थोड़े ही उतरती है, सत्य पुत्रेता में जितनी नहीं उतरती उससे कई गुना ज्यादा ऊपर से उतरती जाती है, यानी ज्यादा तो संकरण खराब होगा ना, ढेरों का संकरण लगता है, तो कहने का मतलब ये कि उनके रंग में देवी देवताएं आ जाती है, जो थोड़ी है जो बहुत उतरते हैं उनके संग के रंग में आ जाती है, हुजूम के संग में आ जाते हैं। बाबा जो बीते में कुछ आत्माएं जो बहुत दिन से चल रही हैं और चल करके उन्हें बहुत काफी समय के बाद एडवांस नॉलेज मिली हुई है, और उनका जो समय शक्ति जो मेहनत किया है वो लगी है उसमें बेसिकली, वो हाँ उसमें पहले लगी, जब फिर बाद में एडवांस नॉलेज मिली, तो वो बाबा जो वहाँ मेहनत जो बच्चों ने किया है वो यहाँ उसको कुछ जोड़ेगा? उधर जो कुछ किया है वो भगवान को पहचान के किया या भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा में किया? नहीं बाबा, पहचान के भाव तो उनका था ही कि बाबा भक्ति मार्ग में भाव नहीं होता है? भक्ति मार्ग में 63 जन्म भाव होता है कि नहीं? नहीं तो ये तो भाव, एक बात बताओ, भक्ति आया, लेकिन लेकिन बाप आया था, आया था बाप, आया था कि हमने मान लिया? नहीं बाप आया था, ये तो मान लिया, वो माँ आई थी कि बाप आया था? समझना है, बात अलग है, गुलजार दादी में कोई समझ ले कि भगवान आता है तो समझना बात अलग है, लेकिन बात बाबा आप यहाँ की वहाँ जो है तो माँ का पाठ बजा सब, तो ये था कि माँ बाप जो है तो यही है, मतलब जो मिलता का ज्ञान वही मानते हैं। माँ बाप एक होता है कि अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं, माँ अलग होती है, बाप अलग होता है, बाप से वर्षा मिलता है, माँ से प्यार मिलता है, तो जन्म मिलता है, तो जन्म और प्यार तो मिला, जो नॉलेज वहाँ मिली थी वो वही मिली थी, मतलब आप यहाँ तक ये तो पता नहीं था कि बाप अभी दूसरे दस में आएगा, ये तो नॉलेज नहीं थी बाबा वहाँ, तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में नॉलेज नहीं थी 63 जन्म, फिर बेसिक में आए तो नॉलेज मिली,
लेकिन प्राइमरी स्कूल की छोटी नॉलेज मिली, छोटे स्कूल की नॉलेज मिली या ऊंचे स्कूल की नॉलेज मिली? छोटे स्कूल की नॉलेज मिली। तो जितना ज्ञान है उतनी पहचान है, अभी जितना ज्ञान है उतनी पहचान है। पढ़ाई पूरी करेंगे तो ऊंचा पद मिलेगा या पढ़ाई नीची पढ़ेंगे तो ऊंच पद मिलेगा? ऊंची पढ़ाई पढ़ेंगे तो ऊंचा पद मिलेगा। ऊंची पढ़ाई ऊंचा टीचर पढ़ाएगा या छोटी छोटी जो प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं वो पढ़ाएंगे? ऊंचा ही टीचर पढ़ाएगा। इसे सारी बातें मुरली में बताई है। मुरली में बताया कि तुम बच्चे जब पढ़ाई पूरी होगी तो तुम्हारा क्लास ट्रांसफर होगा। क्लास ट्रांसफर होता है तो टीचर भी बदल जाता है, स्थान भी बदल जाता है। कई टीचर बदल गए। टीचर तुम्हारे प्रवृत्ति मार्ग के होने चाहिए या निवृत्ति मार्ग के होने चाहिए? तुम प्रवृत्ति मार्ग की पढ़ाई पढ़ रहे हो, भगवान प्रवृत्ति मार्ग के अर्जुन को पढ़ाने आता है या निवृत्ति मार्ग के गुरुओं को पढ़ाने आता है? तो सच्ची पढ़ाई कहाँ होती है? अभी बेसिक नॉलेज में पढ़ाने वाले सन्यासी है या गृहस्थी है? सन्यासी है। सन्यासी उनको क्या पढ़ाएंगे? वो खुद ही सन्यासी। घरग्रस्त में रह करके विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कैसे की जाती है साथ में रह करके, उनको क्या मालूम? वो तुम्हें कैसे सहज राज्यों की पढ़ाई पढ़ाएंगे? तो उस समय जो कुछ किया वो बेकार नहीं गया? 63 जन्म जो हमने भक्ति मार्ग में किया वो भी बेकार नहीं गया? 63 जन्म जो किया उसका उजूरा बेसिक नॉलेज में मिल गया कि हमें भगवान का माँ का रूप मिल गया, वो भी भक्ति मार्ग है। भगवान स्त्री रूप में नहीं आता, माँ के रूप में नहीं आता, ब्रह्मा के रूप में नहीं आता। ब्रह्मा के रूप में भगवान आया होता तो मंदिर बने होते ब्रह्मा के, मूर्तियां बनी होती, पूजा होती होगी। न पूजा होती है, न मूर्तियां बनती हैं, न मंदिर बनते हैं। इससे साबित होता है भगवान ब्रह्मा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता। तो वो ब्रह्मा के शासन काल में उस पढ़ाई के बीच में हमने जो कुछ भी किया हुआ तो भक्ति मार्ग, लेकिन उस भक्ति का फल हमें ये मिलता है कि सच्चा भगवान मिल जाता है। और धर्म पिताएं आते हैं तो आते हैं गाय बजा के चले जाते हैं, दुनिया नीचे गिरती जाती है। ऐसे ही ब्रह्मा के अंदर परमात्मा आया, गाय बजा के ब्रह्मा भी चला गया, भगवान भी चला गया, दुनिया नीचे गिरती गई। तो फिर भगवान साबित हुआ? भगवान आएगा तो दुनिया को बदल के जाएगा, हमको साथ लेकर के जाएगा या बीच में गुरुओं की तरह छोड़ के चला जाएगा? चेलों को साथ में लेके जाएगा। इसलिए कहा यदि दो पालाएं हैं, एक रावण की पाला वो भक्ति मार्ग की ओर खींचती है, भगवान का असली परिचय नहीं देती, और एक राम की पाला है उसमें राम भगवान का असली परिचय मिलता है। जब मरते हैं तो कृष्ण नाम सत्य कहते हैं कि राम नाम सत्य कहते हैं? अंत समय में राम नाम सत्य होता है। तो अभी दुनिया का अंतिम समय अब आया है, छुपा रुस्तम भगवान अंत में खुलता है, शुरुआत में नहीं खुलता है। भगवान ही भी गुप्त और भगवान के भक्त भी जो पक्के पक्के सच्चे सच्चे बच्चे हैं वो भी गुप्त है। कहते हैं कि देवी गुड़ धारण करो रूप को तमिल में लिखो कि कौन सा देवी गुड़ धारण किया, तो देवी गुड़ में कौन कौन से हो? सारे बता दिए, सहन शक्ति सब गुणों का राजा है, एक धारण कर ले तो सब अपने आप धारण हो जाएंगे। एक साधे सब सदा है, सब साधे सब जाए, एक को पक्का कर लो अपने आप सब आ जाएंगे। बाबा, जब भी हम कभी याद में बैठते हैं तो हमारे योग में लगता है। जो भी तुम याद में बैठते हो तो योग में क्यों चले जाते हो? है तेरे की देखे। देखे। बाबा मंदिर वगैरह होते हैं तो शिवलिंग की स्थापना उसके लिए अच्छा ही है मंदिर के अंदर यादगार।
लेकिन मंदिर के ऊपर जब छोटे छोटे गुम्बद और त्रिशूल दिखाया जाता है उसकी याद करा कि तीन ज्ञान के बाण हैं, ब्रह्मा का बाण जो ब्रह्मा के द्वारा चले बाण ज्ञान के, फिर शंकर का बाण शंकर के द्वारा जो ज्ञान के बाण चले राम वाली आत्मा के द्वारा, फिर विष्णु का बाण, ये तीन प्रकार के तीन मूर्तियों के द्वारा बाण दिखाए गए हैं जो उन्होंने तीनों ने ज्ञान सुनाया है। संसार रूपी जंगल में तीन शेरों ने दहाड़ मारी है, उनकी यादगार ये तीन शेर दिखाए जाते हैं नोट में है? अशोक की लाट में जो स्टाम्प पेपर बने हुए होते हैं, हजार हजार रुपए के स्टाम्प पेपर होते हैं ना, उनमें तीन शेर दिखाते हैं तो उनकी यादगार है। प्रीता के हम जो बताते हैं मुनि बोले कि राधा की दृष्टि कृष्ण रूप दूसरी है, त्रेता के अंत में नहीं सत्युग के आदि में कोई ऐसी आत्मा आती है कि सतारी बना लेती है द्वापर के आदि में, त्रेता के अंत में इब्राहिम आता है इस्लाम धर्म का, वो विचार फैलाता है, दृष्टि का करप्शन फैलाता है, उससे विचारी दुनिया बन जाती है। विविचारी दुनिया माने वैश्याओं की दुनिया, तो जहाँ वैश्यालय होते हैं वहाँ लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, या साधी सती माताएं जहाँ जिस नगर परिवार में रहती हैं वहाँ ज्यादा झगड़े होते हैं, वैश्याओं की दुनिया में ज्यादा झगड़े होते हैं। तो एक दुनिया है वैश्यालय और एक दुनिया है शिवालय। रावण क्या फैलाता है, वैश्यालय बनाता है, सीता का हरण करके ले आता है, चोरी करके ले आए ना, जो भी व्यभिचारी होते हैं वो चोरी करके व्यभिचार करते हैं कि खुले आम करते हैं, चोरी करके करते हैं, उनको रावण कहा जाता है। क्या बाबा एक शरीर में कितनी सोने प्रवेश कर सकती है, बहुत सोने प्रवेश कर सकती है, सभी सारी कर्तव्य बोलेंगे कि अलग अलग है, अच्छा बात करेंगे, मतलब जब प्रवेश करेंगे बात तो एक अंग से एक ही करेगा एक टाइम पर, लेकिन उसमें जो पावरफुल होगा वो इंटरफेयर करके करेगा। जैसे मुरली में बाबा बोलते हैं ये ब्रह्मा भी बीच बीच में इंटरफेयर करके बोलता है, शिव बाबा जब बोलते हैं तो ब्रह्मा की सोल भी बीच बीच में बोलती है इंटरफेयर करके। बाबा जैसे बोला है कि माया बेटी जो है, जो माया बेटी है तो बाप उनसे कहते हैं लगा इससे भूसा, तो महावीर अच्छे अच्छे महारथियों को जो है जो 25-25 साल से चल रहे हैं उन महारथियों को माया बेटी गिराएगी, तो जैसे अभी कहा जाता है कि माया बेटी जो आज है वो जैसे सारा जाता है इस्लाम धर्म की जो आत्मा प्रत्यक्ष होती है और वो जब अगर शरीर छोड़ के जाती है तो क्या वो महारथियों में प्रवेश करके उसको ऐसा मतलब गिराएगी, वो क्या मतलब क्यों नहीं गिराएगी, और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी फिर तो, जो सूक्ष्म शरीर उसको मिल जाएगा, अभी तो देह के स्थूल देह के बंधन में बंधी हुई है, और जो सूक्ष्म शरीर मिल जाएगा तो और ज्यादा पावरफुल होगी कि कम होगी। याद में रहो, याद में रहना कि बाबा क्या जैसी आत्मा होगी, जब बीज रूप स्टेज रहेगी तो जैसे राम वाली आत्मा की बीज रूप स्टेज है जिनको शंकर कहा जाता है भूतनाथ कहा जाता है, तो आत्मिक स्टेज में रहने के कारण ही तो भूतों का असर नहीं होता है, भूत होते हैं सूक्ष्म शरीर वाले, और राम वाली आत्मा है बिंदु, तो कौन सी ज्यादा पावरफुल है, जो बिंदु रूप है उसमें ज्यादा पावर है, वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा जब तक नजदीक आते आते उसका सूक्ष्म शरीर ही खत्म हो जाता है, वो बिंदु बन जाती है, भले प्रवेश करती है लेकिन फिर भी पढ़ाई पढ़ती है बैठ करके, राम की आत्मा को पढ़ाई पढ़ाए नहीं सकती, क्या पढ़ेगी पढ़ाएगी नहीं। बाबा जो बेसिक नॉलेज जो हमको मिली तो उसमें बहन जी से हम यही कहा करते थे कि हमको जो है एक बिंदु को याद, मतलब बिंदु ज्यादा याद आता है हमको याद करने पर, और ये ब्रह्मा का फोटो बिल्कुल ही याद नहीं आता है। यही तो मुरली में कहा है कि ब्रह्मा को याद नहीं करना है।
ब्रह्मा को फोटो भी नहीं रखना है, फोटो भी रखेंगे तो पति द्वंद पड़ेंगे। ब्रह्मा नहीं हैं वैदिक में, जब करते थे तो कभी ब्रह्मा को नहीं देखा, भगवान की ब्रह्मा बराबर दिखाई पड़ते हैं, पढ़ाते हुए वहीं पे बातें करते हुए और करते बस की योग लगाओ बस। हाँ ऐसे से बिकते हैं। हाँ हवाई तरफ आ जाओ। हैं क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी विनाश से बहुत डर लगता था और आपको भी विनाश से बहुत डर लग रहा है। बना लिए नहीं, कोशिश कर रहे हैं बाबा। जैसे पांच विकारों के लिए बोला, काम धर्म की आत्मा वो कामी आत्मा है, और जो क्राइस्ट धर्म की आत्मा है वो क्रोधी आत्मा है। एटम बम किसने बनाए? जो अपने अंदर स्वभाव से एटम बम किसने बनाए? क्रोधियों ने एटम बम बनाए। और दुनिया में विचार किसने फैलाया? इस्लाम धर्म। तो विचार ज्यादा कामी होते हैं वो विचार फैलाते हैं, या जो दूसरे विकार होते हैं वो ज्यादा विचार फैलाते हैं? बाबा जिनके अंदर ये स्वभाव संस्कार ज्ञान में आने के बाद प्रत्यक्ष होते हैं तो क्या उनका ये पार्ट रहा है? जैसे मान लीजिए कोई कामी है तो 63 जन्म रहा होगा, तभी तो वो ज्यादा अटैक कर रहा है। तो जो आज एडवांस में नॉलेज दिए हैं, एडवांस में पार्ट बजा रहा है, तो क्या वो कन्वर्ट हुई आत्मा है या मतलब? कन्वर्ट नहीं होंगी तो उस धर्म में जाके जन्म लिया होगा। बाबा विनाश के समय लास्ट में कहते हैं एक ही ट्रेन बचेगी, और बाबा विनाश के समय नहीं बताया। जैसे 47 में हिंदू मुसलमानों के बीच में खून की नदियां बही थी तो एक ही ट्रेन चली थी, उस पहली ट्रेन में जो बैठ गया तो बैठ गया, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाते समय या पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते समय। उसके बाद जो दूसरी ट्रेन चली उसमें मार काट हो गई, लाशें ही लाशें मरी हुई डाली गई। ऐसे ही अंत में वो तो छोटा रूप हुआ और अभी तो बड़ा रूप होगा। तो इसलिए जिनकी बुद्धि में बैठा होगा वो तो फटाक से निश्चय बुद्धि विजय के नष्टो मोह स्मृति लब्धा होकर के फटाक से बैग एंड बैगेज अपना इकट्ठा करेंगे भाग खड़े होंगे, और जिनका लगाव लगा हुआ है वो तो चिपक के रह जाएंगे। हम अभी से ही दे रहे हैं जय लोग। लेकिन बाबा ने कहा मांगने वाले भिखमंगों को नहीं देता हूँ। मांगने वाले भगत होते हैं। हाँ तो बच्चे बने ना पुरुषार्थ करें। हाँ मांगने की क्या बात, बाप तो रास्ता बताते हैं। ऐसे मांगने से देते तो सारी दुनिया को ले 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 सब लक्ष्मी नारायण बन जाओ। बाप तो बहुत रहम दे लो, जब हाँ तो वो दुनिया भी बाप थोड़े ही है। तो बाबा हम लोग से मांगेंगे नहीं, आप अपने आप को जाइएगा। तो बाप तो कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करो लो, हैं अच्छा कर्म करो, अच्छे से अच्छा ले लो, अच्छे से अच्छी याद करो, अच्छे से अच्छा ले लो, अच्छे से अच्छी सेवा करो, अच्छे से अच्छा ले लो, अच्छे से अच्छे गुण धारण करो, अच्छे से अच्छे देवता बन जाओ। बाबा जी जैसे बहुत से गाँव और जिन गांवों में सेवा कर रहे हैं वो बेसिक में नहीं है, तो किसी बेसिक वालों को बताते हैं तो उनको एडवांस जल्दी तक करता है, लेकिन जो नए हैं जिनकी सेवा करनी चाहिए उसमें मेहनत लगती है, तो क्या हमको वहाँ गांव-गांव उनको भी जा कर के ये जो हमारे कुल के होंगे वो अपने आप आकर के यहाँ सेवा ले लेंगे? नहीं, बाकी जो वंचित हुई आत्माएं हैं ईश्वर के बने थे छह माँ के रूप में बने तो वंचित हो गए, उनको संदेश देना पहला फर्ज है। जिनको बाबा हम गांव गांव संदेश दे रहे हैं उनको ज्ञान का बीज पड़ गया, जो पड़ गया उनको दो। बाबा इसमें ये बोला है कि लास्ट में जो है आधे पाप आत्मा बचेंगे आधे पुण्य आत्मा बचेंगे, तो जो पुण्य आत्मा होंगे वो आबू में जो है माउंट आबू में जा करके तपस्या करेंगे, और जो पुण्य आत्मा होंगे उनका संगठन अलग होगा,
ठीक है। जब माउंट आबू में तपस्या करेंगे तो हम लोग क्या जा सकते हैं? अभी भी माउंट आबू जाके बनाते जाएंगे कौन? जिन्होंने दूसरों का कल्याण किया होगा वो ज्यादा वो पुण्यात्मा होंगे कि जिन्होंने कल्याण ही नहीं किया होगा वो पुण्यात्मा होंगे? हैं? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, जिनकी चढ़ती कला होगी वही तो पुण्यात्मा हुए हैं, वो दूसरों का भला करने में लगी रहेंगे। अपनी उनको जो थोड़ी चिंता रहने लगे फिर यहाँ सेवा कौन करेगा? जब जब रहने लगे तो अभी समझे कि हम जो है पाप आत्मा के लिए स्मरणीय अगर कुछ काम करते हैं तो पुण्यात्मा में भी जो पुण्य आत्माएं होंगे उनको निगेटिव संकल्प चलेंगे या पॉजिटिव चलेंगे? फिर बाबा जैसे कहते हैं कि कदम कदम पर श्री मत ले करके उसको काम करना चाहिए, और कहीं भी अगर हम सेवा करने जाते हैं तो उस समय बाबा का फोन बिजी रहता है, वो नंबर नहीं होता है, बिजी से बहनों से बात करना पड़ता है, उसके बाद कभी मतलब बड़ा बिजी होने के बाद बाबा से बात हो सकती है, तो जहाँ जाना है श्री मत लेना है तो बाबा कैसे सरल होगा कि हम बाबा से तुरंत बात करें और तुरंत निकल पड़े रात में? ऐसा जिसको चाह होती है वो राह निकाल लेता है, क्या जिसको काम निकालना होगा वो तो पीछे पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? वो तो पीछे पड़ जाएगा, एक बार नहीं सुना, दूसरी बार नहीं सुना, तीसरी बार नहीं सुना, चौथी बार कहेगा हमारा बहुत नुकसान हुआ जा रहा है, अगर आपके ऊपर बहुत पाप चढ़ेगा, अगर हमारा नुकसान हुआ तो ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, 20 बातें करके कनेक्शन जोड़ लेगा। कहीं बाप नाराज ना हो जाए इसलिए बाबा का तो धंधा ही है सुबह शाम तक बातें बनाने का। है बाबा ऊपर गए हैं, जैसे काफी बाबा के बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, जब बैठने को नहीं होती है तो ऊपर हाल बनवाना चाहते थे तो बाबा ने मना किया कि नहीं, घास फूस का जो बनाना है उसको बना लें। कहाँ? हाँ ठीक है, बड़ा झोपड़ा डाल दिया जाए क्या हर जाए? अभी ये कमरा भर गया तो आगे चल के तो और गैदरिंग बढ़ेगी ना, तो छत अगर चौरस है तो उसमें एक बड़ा झोपड़ा डाल दिया, सब आके इकट्ठे होके बैठ गए। हैं? ईंट की दीवार? हाँ मालूम है, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा तो काहे के लिए पैसा इसमें जाए, पेट में जाने दो पैसा। हैं? हैं? हाँ तो काहे के लिए मिट्टी में पैसा? बाबा के कार्य बाबा पैसे को बनवा बाबा के कार्य बढ़ेगी तो हीरे का महल बनवाओ ना, बाबा के काम में तो आएगा। हाँ बाबा हंसी उड़ाते हैं बाबा फोन किया, समझ ना पाए। अच्छा कहते हैं कि जैसे घर के पैसा जेल से रहा ये सांस पड़ता, लेकिन पार्वती जी ने भी तो गिरफ्ती में हर चीज चुरा के रखी थी, जो चुरा के पार्वती ने जो गृहस्थी में चीज चुरा चुरा के रखी थी और ये बात शास्त्रों में लिखी गई है, वो शास्त्र विकारी मनुष्यों ने लिखे या भगवान ने लिखे? तो झूठी बातें लिखी ना, चलानी पड़ता है क्या नहीं है पैसा देना तो निकालना पड़ता है, दूसरा काम चलाना पड़ता है। हाँ। ये पाप ये पाप है बाबा। अगर भक्ति मार्ग की तरह चलो
तो कोई पाप नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो कहा कि पार्वती ने भी निकाल लिया। दूसरी बात, भक्ति मार्ग में कहते हैं कि स्त्री अर्धांगिनी होती है, आधे के ऊपर हक होता है, तो आध जो कमाया उसमें से आधा अगर उसने अपना ले लिया तो उसमें पूछने की दरकार ले लिया। लेकिन अगर ज्ञान में चल रहे हैं तो ज्ञान में जितना सच्चा फाउंडेशन डालेंगे उतने सचखंड के मालिक बनेंगे। बाप के बच्चे तो गरीब, बाप के सच्चाई से तो कह के लो नहीं देंगे, नहीं देंगे तो मत दो, हमें तो देने वाला आ चुका। जैसे बाबा कहीं दान करना, बाबा को कहीं कुछ करना, अरे हमारे जेब में पैसे हैं तभी तो हम दान देंगे, या दूसरों से वो वाल्मीकि की तरह डकैती डाल के लेंगे। बाबा बाबा आ चुका है, बाबा का घर बन गया सुखाई के लिए। बाबा ये भी कहते कि जितना आप दान कर लो तो वो तुम्हारे आने सचिव में काम, तो चोरी करके दान करोगे क्या? तो ज्ञान का दान करो ना, कौड़ियों का दान करना ज्यादा अच्छा या ज्ञान का दान करना ज्यादा अच्छा? तो फिर ज्ञान 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 रतन शिव बाबा भगवान देता है, और ये रुपए पैसे का कौड़ियों का जो कमाई है वो तो घर वाले करते हैं, ज्यादा भाग्य किसमें बनेगा? तन से करो, ये देखो ये बढ़िया गुरु बनता है, है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो तो जो शिक्षा देने वाले थे उनको तो अब तुमने समझ लिया कि वो बाबा के बच्चे चाहते हैं या बाबा का धन, बाबा के बच्चों का धन चाहते हैं? भंडारी जो रखी जाती है वो भंडारी क्या बताती है, कि भगवान के मत पर चल रहे हैं या अपनी मत पर चल रहे हैं? भगवान ने तो कहा नहीं भीख मांगो, चाहे भंडारी रख दो चाहे सिल्वर का कटोरा लटका दो। जो भीख मंगे होते हैं वो सिल्वर का कटोरा रखते हैं। मुरली में जो निकाला जाता है वो मनुष्यों ने लिख करके निकाला है या भगवान ने मुरली में बोला था? ब्रह्मा की मुक्त है मनुष्यों ने लिखा। बाबा जी हम एक बजे पाई था जो माने चार बजे में पाई था, चार बजे जग पाते, एक बजे नहीं जग पाते, एक बजे नहीं के रात के 12 बजे सोओगे तो कैसे 4 बजे एक बजे जग जाओगे? दस बजे तो दस आएगी आठ नौ बजे सो जाओ तो तुम जल्दी आप कल बाबा सफाई की गई थी वैसे करने सो गई थी, आपने रोज नहीं मिलने को रखा कि रोज सात सात आठ आठ बजे तक उठा जाती थी, कल अभी क्या हुआ अपने आप नींद खुल गई। कल बाबा पता लग गया ना कि बाबा आने लगे। आप तो पहले ना मालिना। अच्छा तो भाई ऐसे समझा करो, बाबा आ रहे, बाबा जल्दी जल्दी दम आएगा तो कहाँ आएगी।